हाँ सिस्टर, बहुत शुक्रिया आप आई यूट्यूब में इनको लताड़ने के लिए। ये आपके खिलाफ़ एक हफ्ते से आपके खिलाफ़ इन लोगों ने भोंगना छोड़ दिया था, क्योंकि अब इन लोगों ने दोबारा से एक दफ़ा दोबारा आपके खिलाफ़ बातें शुरू की है। उसकी जो अहम तरीन वजह है जिसमें कि ये किसी और टॉपिक में चले गए थे, उसमें इनके यूज़ इतने कम आए कि बेशर्मी की वजह से आपने इनके खिलाफ़ बात भी नहीं की, फिर भी आपके खिलाफ़ ये भोंगना शुरू किए। आज जो आप दोनों ने मियाँ बीबी ने जो जवाब दिया है बहुत अच्छा दिया है। रमदाक शेख चाचा जी जो हमारे हैं वो भी बहुत अच्छे लताड़ते हैं, इसी तरह लताड़ते रहें, इसी तरह हम आपके साथ कड़े हैं और कड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इन बेगैरतों को, इन ऐसी घटिया खातून को आप लताड़ते रहें ताकि हम आपका साथ दे सकें। बहुत शुक्रिया जो आपने इनका आज रोस्टिंग का सिलसिला जारी रखा, हम आपके साथ हैं। तो मिलेंगे आपको, मजीद वीडियो को वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु मेरे प्यारे यूट्यूब की फैमिली, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगी। तो आज का टॉपिक दोबारा से एक दफ़ा शम्मो 420 और बेटी की दुआ, जिन्होंने एक दफ़ा फिर भोंगने की कोशिश की है। सना खान ने इनको एक्सपोज कर दिया बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। सना खान ने कहा कि मैं कुछ दिनों से अपनी उस पर मसरूफ़ हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन सिस्टर आपने एक बहुत प्यारी बात कही कि पता नहीं ये लोग क्यों छेड़ रहे हैं। तो आपका जवाब मैंने बहुत सुना, बहुत प्यारा जवाब आपने दिया, और इसकी सिस्टर वजह यह है मेरी प्यारी सना खान सिस्टर, इसकी वजह यह है कि इनके तकरीबन एक वीक हो चुका है, इनके यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। जब से तुम सिस्टर शादी के मामलात में मसरूफियत है, रमबाग शेख जो हमारे चाचा जी हैं तो उनकी तरफ भी ये तनकीद कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये यही चाहते थे कि कोई रिस्पॉन्स आए हमें और हमारे यूज़ दोबारा से हाई फाई आए जिस तरह पहले आते थे। आप लोगों का नाम इस्तेमाल करके, आप लोगों की वजह से, तो ये जिस तरह बेटी की दुआ एक ऐसी घटिया खातून है जिसने के पाकिस्तान का इमेज तो बुला मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन अपनी यूज़ के पीछे भी वो अपनी ना पर्दे की इज्जत कर पा रही है, ना किसी की इज्जत कर पा रही है। किस्म की वो पागल हुई हुई है। उसकी पागल होने की सबसे जो उसकी वजह जो बनी है वो शम्मो है। तो शम्मो इन दोनों ने एक झूठी कहानी रचाई, एक झूठा ड्रामा रचाया, जिसकी वजह से इनका यूज़, इनके जो यूज़र हैं इनको पता लग गया है कि एक किस्म का ये झूठा ड्रामा कर रहे हैं, एक झूठा ड्रामा रचा रहे हैं, जिसमें कि सना खान हमारी एक अच्छी खातून है, एक अच्छी घराने से ताल्लुकात रखती है, जिसमें कि उसकी ज़बान से हम अंदाज़ा, हर शख्स का अंदाज़ा हम ज़बान से लगा सकते हैं कि उसकी ज़बान कैसी है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, तो उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह, किस घराने से ताल्लुकात है, उसकी लैंग्वेज किस तरह है, उसको सिखाया किस तरह गया है। तो यही मेरी प्यारी सिस्टर सना खान, आपको एक अपने माँ बाप ने अच्छी तरबियत दी है, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बट हमारी प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा है ये इन दो खातून की वजह से। अब शमो इसको इस्तेमाल कर रही है, जो भी कह रही है इसको व्हाट्सएप में, उससे पहले बेटी की दुआ किसी और टॉपिक में आ गई थी, लेकिन वहाँ उसको वो मज़ा नहीं आया जो आपके ख़िलाफ़ ये लोग बात करते हैं। रमबाग शेख के जो हमारा चाचा जी हैं उनके बारे में ये बात करते हैं तो उसमें यूज़ इनके बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो टॉपिक अब उन्होंने छोड़ दिया। अब एक दफ़ा फिर दोबारा से भोंगना आपके ऊपर शुरू किया है, जिसमें मैंने आपकी वीडियो देखी है मेरी सना खान प्यारी सिस्टर, आपका शोर बहुत अच्छा और बेहतरीन आदमी है, इसमें आपकी वीडियो से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। हमारी सिलसिला, हमारी जो वीडियो का जो टॉपिक होता है यही होता है कि यूट्यूब में ऐसी लैंग्वेज, ऐसी गड़िया लैंग्वेज जिसमें कि एक कुत्ते की तरह भोंगना शामिल हो, उस लैंग्वेज के ख़िलाफ़ हम हैं, उसको हम रोस्ट करेंगे।
चाहे वो जो भी हो, किसी भी कंट्री से उसका ताल्लुक़ हो, चाहे जिधर से भी हो, हम नहीं चाहते। क्योंकि सिस्टर मेरी सनहा, हमारे टॉपिक से छोटे बच्चे भी हमारे वीडियो सुनते हैं, हमारी खातून सिस्टर ब्रदर हर किस्म के अच्छे लोग वीडियो सुनते हैं। अब उनके सामने अगर इस तरह गड्डिया अल्फाज, इस तरह गड्डिया लैंग्वेज, जिस तरह ये शमो और ये बेटी की दुआ एक गड्डिया खातून इस्तेमाल करती है, जिसमें कि हर चीज़ से इसका जाहिर होता है कि ये एक गंदी घराने की है, ये दोनों एक गंदी घराने की है। और सना खान मेरी प्यारी सिस्टर, आपने एक और अच्छी बात ये कही कि ना इसका शोर है, ना इसके बहन भाई है, तो मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। इसमें अगर आप मेरे किरदार अदा कर सकती है तो शमो से बात करें, मैं उसके लिए रेडी हूँ। अगर चाचा जी से उनका कुछ बातचीत नहीं बन पा रही, ऐसी कोई बात नहीं हो पा रही, तो सना सिस्टर, मैं आपको सिस्टर समझता हूँ, तो आप मेरा रिश्ता शमो के पास ले जाएं, ताकि हम चाहते हैं कि हमारी मेरे वो मेरी बने, किसी और की ना बने, चाहे वो जैसी भी हो, मैं चाहता हूँ वो सिर्फ मेरी बने। तो इसके लिए आपका किरदार ज़रूरी है, आपके शोर का भी किरदार होना ज़रूरी है। तो मज़ीद मेरे वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक पर, किसी इसी टॉपिक पर। अल्लाह हाफिज़, लव यू माई ऑल यूट्यूब फैमिली, ऑल अदर कंट्री सिस्टर ब्रदर, प्लीज़ माई वीडियो फुल वॉच एंड थैंक यू ऑल, लव यू।